Hello everyone. So today's topic for revision is PN junction diodes. इससे पहले मैं आपको कल के टॉपिक के थोड़े हाइलाइट्स बता देती हूँ. तो कल हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स के बारे में, और सेमीकंडक्टर्स हमने देखा था कि उसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो अगर हम इसे डिवाइड करें ईच शेल में इलेक्ट्रॉन्स, तो 284 आएगा. 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होंगे. अगर इसका लैटिस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो बहुत सिंपल है. आप सिलिकॉन इस तरह से, सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर बनाइए, और हर एक सिलिकॉन में आप 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दीजिए. सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर इसको स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ये नियर बाय सिलिकॉन्स के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है. तो हर एक सिलिकॉन आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हो जाएंगे. इस तरह का आपको लैटिस स्ट्रक्चर मिल जाएगा. जो दो दो हैं उनको आप एक तरह से कंबाइन कर लेंगे. पहले आप सिंपली ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद ये एरोज मार्क कर दीजिए. इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा. हर एक के पास 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब इसी सिलिकॉन से ये एक सेमीकंडक्टर है. ये आपका एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मींस ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर है. अब हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर्स टू टाइप्स के हैं, एक तो इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक, जिसमें इम्प्योरिटी एडेड है. एक्सट्रिंसिक हमारा दो टाइप के हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप. एन टाइप में हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है, ठीक है. एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड की है. आप ऐसे ही याद रख लीजिए, एन फॉर नेगेटिव. पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वैसे सिलिकॉन में 4 होते हैं, तो पेंटावेलेंट में 5 हैं, एक एक्स्ट्रा है. और पी में आपका ट्राईवेलेंट होता है. ट्राईवेलेंट मतलब उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है. और पेंटावेलेंट का एग्जांपल हो गया आपका फॉस्फोरस. तो इस स्ट्रक्चर में हम ये इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है. आप और एग्जांपल्स इनके स्टडी कर सकते हैं नेट से, पी और एन टाइप के इम्प्योरिटीज़ के. अब देखिए, एन टाइप में हमने ये ऐड कर दिया एक इम्प्योरिटी एटम. इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे, तो फॉस्फोरस ऐड कर दिया. बेसिक लैटिस स्ट्रक्चर वैसा ही था, और एक एटम को हमने फॉस्फोरस से रिप्लेस कर दिया. तो फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, 2, 3, 4, एंड एक एक्स्ट्रा जो कि अनबॉन्डेड होगा. तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, क्योंकि ये फ्री है, ठीक है. तो एन टाइप में एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इसमें एडेड है, ठीक है. और इसमें अब आप पी टाइप में देखिए, पी टाइप में हमने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है, जैसे कि एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2 एंड 3. तो एक जो है वो खाली रह गया, वहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, जिसको हम होल कहते हैं. तो इसमें आपका होल, इस आपके एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होते हैं, और पी टाइप में आपके होल्स चार्ज कैरियर्स होते हैं. होल्स का मतलब है कि अगर मान लो इस स्ट्रक्चर को थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी, तो वो ब्रेक करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन छूट के इस वाले होल में एंटर हो जाएगा, दूसरी जगह आपका होल बन जाएगा. फॉर एग्जांपल अब इसको थोड़ा कुछ एनर्जी मिली, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे फिल कर देगा, तो ये होल यहाँ बन जाएगा. अब इसको फिल करने के लिए मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे होल बन जाएगा. तो इस तरह से होल ट्रैवल करता है. तो इसमें होल चार्ज कैरियर है, और इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है. और दोनों में ही, एन टाइप में भी होल्स होते हैं कुछ, और पी टाइप में भी कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको थर्मली जनरेटेड किया जाता है.
मतलब अगर थोड़ी सी स्ट्रक्चर में हीट हो, मान लो इसको हमें हीट करें, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएगा। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे होल बन जाएगा। तो किसी भी स्ट्रक्चर में होल्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, पर एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और होल्स कम होंगे, और इसमें आपके होल्स ज़्यादा होंगे और एन आपके इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो इसमें थर्मली क्रिएटेड होल्स, इसमें होल्स आपके माइनॉरिटी में होंगे, जो थर्मली मतलब जो हीट देने से मिले बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो होल बनेगा, तो वो माइनॉरिटी में होंगे। और थर्मली क्रिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, तो उस तरह से वो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है। पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, उससे पहले ये देखिए, जब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को पी टाइप से ज्वाइन किया जाता है तो एक पीएन जंक्शन बन जाता है। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ज्वाइन विद पी टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड। ठीक है, अब जंक्शन पे क्या होता है वो देखते हैं। अब एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि जो पी टाइप है या एन टाइप है, दोनों ही बेसिकली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल कैसे होते हैं, क्योंकि आप देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर था, सिलिकॉन में आपके फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, या फिर आप ऐसे देख लीजिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, मतलब उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो नेट चार्ज उसमें ज़ीरो होते हैं। तो अगर इसमें मान लो आपके 14 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 14 ही इसमें प्रोटॉन हैं, तो नेट जीरो होगा। आप इसमें चाहे फॉस्फरस भी ऐड कर दो, तो फॉस्फरस के अपना एटॉमिक नंबर फॉस्फरस का 15 है। ठीक है, फॉस्फरस हमने इसमें ऐड किया है, फॉस्फरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है और वैलेंस शेल में 5 होते हैं, बट इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स आपके टोटल हैं, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट में 5 हैं, तो 15 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 15 ही इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, सॉरी प्रोटॉन्स हैं, तो नेट चार्जेस में ज़ीरो है। दोनों ही चाहे एन टाइप है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो हैं, पर नेट जो हर चार्ज वो ज़ीरो है, क्योंकि उतने ही इसमें प्रोटॉन्स भी हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। तो हम देखिए यहाँ पे अब पी एन जंक्शन बनाया है। पी में मैंने आपको बताया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, पी में मेजॉरिटी आपके होल्स हैं, और एन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो सर्कल में किया है वो मेजॉरिटी में है, तो होल्स को मैंने पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया है, तो इसमें मेजॉरिटी ज़्यादा आपने पॉजिटिव बना देने, और कुछ बीच में आपने नेगेटिव माइनॉरिटी कैरियर्स बनाए, और एन में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ज़्यादा हमने सर्कल वाले नेगेटिव बना दिए और कम हमने पॉजिटिव बना दिए। अब जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या होता है, अब इनको ज्वाइन करने पे जो इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करना चाहेगा, ठीक है, होल को फिल करना चाहेगा। इसके कारण क्या होता है, ये इस तरफ को मूव कर जाते हैं, यहाँ से एन से मतलब नेगेटिव चार्ज चला गया, और पी में नेगेटिव, पी वाली साइड में ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा एंटर हो गया, तो एक रीजन बन जाता है, एक लेयर बन जाती है, ये वाला अपने बिल्कुल इस जंक्शन के पास पास वाले रीजन्स में, ठीक है, ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे होल के साथ ये रिकम्बाइन हो गया, होल में इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। तो पी वाला तो वैसे न्यूट्रल था, ठीक है, मैंने आपको बताया दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, पर यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर गया होल में, तो आपके पी में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, तो इस तरह से एक रीजन बन जाता है जिसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं, उस जंक्शन में जहाँ पे पी में नेगेटिव चार्जेस रह जाते हैं और एन में पॉजिटिव चार्जेस रह जाते हैं। पर इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होते, मतलब दिस रीजन में ना ही आपका कोई इलेक्ट्रॉन बचा है और ना ही कोई होल बचा है जो फ्री है, दोनों ही रिकम्बाइन हो चुके हैं। तो दिस रीजन इज़ डिवॉइड ऑफ एनी चार्ज कैरियर्स, इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं बचता क्योंकि दोनों रिकम्बाइन हो चुके हैं, तो ये डिप्लीशन रीजन बनता है जब ज्वाइन करते हैं। और आप सिंबल देख लीजिए डायोड का, ये होता है, ये पी है, ये
एन है। अब कंस्ट्रक्शन तो मैं आपको बता चुकी, अब ये देख लीजिए, एट द जंक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन कर जाते हैं, अ रीजन इज फॉर्म्ड विद नो चार्ज कैरियर्स, जिसको डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। नेक्स्ट इज बायसिंग, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज टू अ पी एन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड बायसिंग। अब इस स्टेट में तो ये आपका डायोड कुछ भी कंडक्ट नहीं करेगा, उसे कंडक्ट करवाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ती है, जिस प्रोसेस को हम बायसिंग कहते हैं। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म है बायसिंग। अब दो टाइप की बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में जो पी टाइप है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है बैटरी के, और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। और रिवर्स बायसिंग में पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में ही सिर्फ डायोड कंडक्ट करता है। अंडर फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन डायोड अलाउज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और रिवर्स बायस में आप देखिए लास्ट लाइन, इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ करंट। रिवर्स बायस में वो फ्लो करने नहीं देता करंट को। अब एक्चुअल में होता क्या है, अब देखिए जब फॉरवर्ड बायस होगा मतलब पी टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो अब पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे हैं वो होल्स हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब पी यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का देगा, ठीक है। पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो ये इस तरफ को इसको धक्का देगा, उसी तरह से नेगेटिव और नेगेटिव भी धक्का रिपेल करेंगे और ये इस तरफ से इसको पुश करेगा। तो ये इस तरफ डायरेक्शन में ये आपके चार्ज कैरियर्स मूव होंगे, ठीक है। तो चार्ज कैरियर्स आर सप्लाइड विद एनर्जी टू क्रॉस द जंक्शन, तो ये चार्ज कैरियर्स उस जंक्शन को क्रॉस करेंगे, देयरफॉर करंट बिगिंस टू फ्लो, जिस वजह से करंट फ्लो कर जाता है। अब क्योंकि ये चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे आगे, तो जो डिप ये जो डिप्लीशन लेयर बनी गई है ये भी आपका इसकी आपकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये अब चार्ज कैरियर्स इस रीजन में इसको ये पुश करेंगे तो ये जो इसकी विड्थ है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट रिवर्स बायस्ड में, रिवर्स बायस्ड में आपका देखिए चार्ज कैरियर्स आर पुल्ड अवे। पुल्ड अवे मतलब अब हम जब रिवर्स में पी को हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा, जो लंबा वाला होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और शॉर्ट वन इज कॉल्ड नेगेटिव। तो जब हम ऐसे करेंगे तो अब पी में जो आपके होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और एन में जो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, अब नेगेटिव इन पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा तो ये इस तरफ को मूव करेंगे और ये इस तरफ को, तो ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि चार्ज कैरियर्स आर पुल्ड अवे, वो दूर भाग जाएंगे, देयरफॉर द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। तो बिना जो विदाउट डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर्स रीजन है वो और बढ़ जाएगा कि और खींच गए, फ्लो ऑफ करंट इज ब्लॉक्ड, फ्लो ऑफ करंट ब्लॉक हो जाता है। तो आपका जो डायोड है दैट कंडक्ट्स इन ओनली फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। सो दैट्स अबाउट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे आप पूछ लीजिए, गूगल क्लासरूम में पूछ लीजिए, आप इस कॉमेंट्स में शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।